अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम फोर के तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर है। और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में, ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर, जी हां, अभी हम होटल में पैके चील करते हैं और नहाए दुख के साथ। आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि केला सीजन 2023 का आगाज हो चुका है। केला सीजन बोले तो जी रेसिंग सीजन 2023। सबसे पहले आप तमाम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि रेसिंग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है जिसमें एक ने जीतना होता है और एक ने हारना होता है। कोई भी रेस कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। इस बात का मतलब क्या है तो समझाने के लिए मैं आप तमाम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप मेरे दोस्त हैं, आपकी मेरे साथ रेस हो रही है और आप रेस में आगे हैं। आप कभी भी एकदम से ब्रेक मार के ये नहीं कहेंगे कि आज मेरा दोस्त है, इसको मैं जीतने देता हूं। आप रेस के दौरान अपने अंदर बाहर का जोर लगा रहे होंगे मुझे हराने के लिए, क्योंकि जीतना किसको पसंद नहीं होता। जीतने के बाद जो खुशी होती है उससे ऊपर की कोई चीज नहीं, और हारने के बाद दिल में जो केला पैदा होता है उससे बुरी चीज कोई नहीं। लोग हारने के बाद केला खा के अपने पूरे पूरे प्लाट भेज देते हैं को तेज करने के लिए, क्योंकि रेसिंग एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। इसके अंदर उस्ताद जी आपका अनेवा पैसा लगता है गाड़ी के ऊपर। रेसिंग के दौरान अगले बंदे के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, कोई दोस्ती नहीं होती, लेकिन रेसिंग एनवायरनमेंट को फ्रेंडली रखना दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। आज तक मैंने जितनी भी रेसेस की हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सुकून से जाते हैं, अगले बंदे को इज्जत से मिलते हैं, अपनी हार हो या अपनी जीत हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया और सुकून से वापस आ गए। इसको कहते हैं फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रेस करना, कि रेस के बाद एक दूसरे के लिए दिल में किसी किस्म का कोई केला या खार ना रखना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को खराब करते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से रेसिंग कम्युनिटी बदनाम है। ऐसे लोगों का काम क्या होता है कि रेस से पहले सोशल मीडिया के ऊपर होला डालना, एक दूसरे को बातें करनी, गालियां वगैरह निकालना, उसके बाद ट्रैक पे जाना, जीत होगी तो डबल गालियां निकालना, अगले को हार होगी तो उस्ताद जी रोला डाल देना। ऐसे लोगों की रेसेस तीन पार्ट्स में होती हैं। पहली फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन जो रेस होती है इनकी, उसके बाद दूसरी रेस ट्रैक पे होती है, और तीसरी रेस इनकी फिर से सोशल मीडिया के ऊपर होती है। जीत जाएंगे तो रोला डाल देंगे, अगले को ऑनलाइन गालियां निकालेंगे, हार जाएंगे तो कहेंगे जी अगले ने रोंदी मारी है, अगला नेटस लगा के आ गया था, हमारा में शिफ्ट हो गया था, फलाना हो गया था, टीम हो गया था। ये सारी प्रेम कथा बताने के पीछे की वजह क्या है कि डॉगी डी फ्रॉम फूड के गराज का भी केला चल गया है। दोनों साइडों से एक दूसरे को बातें की जा रही हैं, गालियां शालियां दी जा रही हैं, केले उस्ताद जी फुल टाइम अरूज पे हैं। और अभी डॉगी डी को तैयार किया जा रहा है इस केला रेस के लिए, और अभी हम फुरके ग्राज जा रहे हैं डॉगी डी की तैयारियां देखने। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि उस्ताद जी इस केले के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही काम है, जाके शुगर लगाना और इंजॉय करना, क्योंकि भरा आपका बचपन से हसमुख बच्चा है और मैं वो बंदा नहीं जिसके साथ आपको केला चलाना चाहिए। तो आइए बगैर किसी देर के अपनी मजे की तरफ पर वर्स करते हैं। आपका भरा सिद्धी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोले तो अपने गैराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खाल के रख देते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं गैराज के अंदर आपको कहीं भी HRV का नाम निशान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे अब्बा हजूर गाड़ी लेके गए हुए हैं सैर सपाटे करने के लिए। तो आइए बगैर किसी देर के सिद्धी एंट्री मारते हैं पेट्रोल के दुश्मन कालिया साहब के बीच, और नाजायज एवरेज के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले हथ नाल एंट्री फॉर यू गड़ी दे हो गए उस्ताद जैसी विच फॉर यू हुन चाबी कित्थे है, वो चाबी कित्थे गई ओए, 150 चाबी रख ली अंदर, एरी चाबी ओए, ये तो घर की चाबी है, गड़ी की चाबी कित्थे है। हाँ जी, पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो यहाँ पे पेट्रोल की सुई हमें धोखा दे रही है, लेकिन हमने इसके धोखे में आना नहीं। आओ जी गड्डी नु स्टार्ट करिए, सबसे पहले क्लच नपिए, फिर चाबी घुमाइए, फ्यूल प्रेशर बनन दियो, एक दो तीन चार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह से, ओहो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट फॉर यू। असल में थ्रॉटल बॉडी थोड़ी बहुत गंदी हुई भी है तो हल्की सी रेस देके स्टार्ट करनी पड़ती है, एक बारी फिर हुन कम टायर्ड है। क्रूजिंग लाइफस्टाइल, सुकून माहौल, मिठे चौल, पेट्रोल बचत लाइफस्टाइल, 100 दी स्पीड ते 2000 RPM ते नाल खूबसूरत सनरूफ। और एक बार फिर हम मौजूद हैं फुटके गिराज की धरती के उत्ते, और सबसे पहले हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे साथ हमारे फ्रेंड नौमी चौधरी उर्फ मुरी गैंग मौजूद हैं, उसके अलावा कंबाइंड ओनर्स ऑफ डॉगी डी, और साथ में हमारे फ्रेंड फ्रॉम इस्लामाबाद हॉर्नी ऑफिसर। आप लोग देख सकते हैं फुटके गिराज के ऊपर कस्टमर्स के अलावा आपको ना बंदा नज़र आ रहा है, ना बंदे की ज़्यादा नज़र आ रही है। भाई आपकी गाड़ी किधर है? गाड़ी यार शहरी भाई इसमें चाय पी रहे थे, पता नहीं कर गई। शहरी अभी खुद का है? घर है भाई। टाइम क्या है अभी बताएं जरा आप? बस 3 बज गए। और रेस कब है? वो सी शाम 8 बजे। माशाल्लाह से अभी तक गाड़ी आई नहीं है, अभी गाड़ी आएगी, गाड़ी का इंजन खोलेंगे, उसका गियर चेंज करेंगे, बाकी चीजें मीजें फिट करेंगे, उसके बाद जाके उस आज ही रेस होनी है। डॉगी डी के आने की आवाजें आ रही हैं और डॉगी डी यहाँ पे पहुंच चुका है, पीछे डॉगी भी आ रहे हैं, ये देखें जी डॉगी डी विद डॉगीज।
सर तैयार हो गई है गाड़ी और चला भी डॉगी रहा है, देखना बाहर आएगा क्या कॉम्बो है सर। पहले बाहर आएगा, बाहर आओ, डॉगी से इंतजार कर रहे हो, डॉगी बाहर आओ, ये देखे डॉगी, डॉगी के इस्तकबाल में ये देखे जी डॉगी किंग, डॉगी किंग, ये डॉगी डी उसे माइल कर रहा है, डॉगी डी तो पीछे रह गया तेरे पीछे। यहाँ पे तमाम शिंदे बारी बारी आ गए, डॉगी डी को पीछे से चुकने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नौमी चौधरी मोरी गैंग, तू पहले पीटी कर ले, ए पी टी लन, चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। चलो कोई नहीं, स्प्रिंगों से तो ऊपर आई है, हूँ तेरी बारी, वही कमर में बालना पड़ जाए। ना भाई ना, ए पी टी लन प्लीज। ना भाई तुस भी आ जाओ, तुस भी आ जाओ, भाई भाई क्या कमजोरी तो नहीं होगी। नौमी चौधरी वांस मोर, आरिफ किंग उठा सकता है भाई, जैन सिंह तो गया, ओ बब्बर शेर, जैन साहब जीत गए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, चैप्टर क्लोज। केले की गहराई में जाने के लिए हम अपने मेजबान नौमी चौधरी उफमरी गैंग से केले की जानकारियां हासिल करेंगे। भाई बताएं जी, केला क्या होता है, केला कैसे हुआ आपका, और आगे केले में आप क्या करना चाहेंगे? यार सीन ये है कि हमने छोटी सी गाड़ी तैयार की, इसमें हमने स्टॉक एक इंजन डाला डी, तो हमने किसी स्टोरी लगाई कि अगर कोई ऐसा चेक करना चाह रहा होता कि हम अपनी गाड़ी का पोटेंशियल चेक करें कि कितना भागती है, तो स्टोरी लगी तो दर्जन केले चले गए कहीं, तो एक प्यारे से भाई है उनके साथ, एक और प्यारे से भाई है, उन्होंने हमें कहा जी भगाओ, उन्होंने हमें चैलेंज किया, उन्होंने हमें कल रात का किया, हम कल रात रिंग रोड पे खड़े थे, कोई नहीं आया, हमने 5-6 हज़ार का पेट्रोल जाया किया भाई के पीछे, लेकिन भाई नहीं हमें मिले। उसके बाद फिर अब हमने भाई को कह के, जब आप चाहें आप हमें बता दीजिएगा, तो अब भाई का इंतजार कर रहे हैं हम, जवाब मोहब्बत इंतजार में हम, जब भाई हमें कहेंगे कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखें जी कुत्ता कितने गौर से बातें सुन रहा है इसकी, ये देखो समझ आए तानू, वो भी चला गया वापस, तेरी गल नहीं सुनी मैं, कोई बात नहीं बॉस, होता है, रेस होगी अब। नाजरीन अभी हम जा रहे हैं डॉगी डी का पोटेंशियल चेक करने, सबसे पहले जाके कोई गाड़ी लेते हैं, फिर उसके साथ गाड़ी भगा के देखते हैं, और ये चीज जानते हैं कि हमारी गाड़ी कितना भाग रही है कितना नहीं। उसके अलावा ये वसी साहब ये फ्रंट स्क्रीन चेक करें, इस गाड़ी में बैठ के पूरी दुनिया सतरंगी हो जाती है, ऐसे लगता है मिक्स नशे की है। गाड़ी में बकरा ही सतरंगी सीन हो यार, डिस्को बॉल। अगर आप लोगों ने आज तक किसी बंदे को उड़ता तीर पीछे लेते नहीं देखा तो आप इनको देख लें, ये गाड़ी को इस हालत में लेके जा रहे हैं DHA Phase 6 Phase 8 वाली सरहदों के बीच, और आजकल DHA में सख्ती कितनी है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह ही गाड़ी को देख के उस्ताद जी ने सीधे ही पर्चे करने हैं, एक नौमी चौधरी पे तो दूसरे ड्राइवर के होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वसी साहब ने फुल टाइम सतरंगी सीन किया हुआ है, गाड़ी स्ट्रेट पाइप है, स्ट्रेट पाइप है और ट्यून की साथ में शीशे भी काले माशाल्लाह से, अगरे वाला सतरंगी भी है, आज हम सारों के ऊपर कंबाइंड पर्चा होना उस्ताद जी। वसी साहब थोड़ा सा मनोरंजन ही कर रहे हैं, पॉपकॉर्न चला दें जरा, 20 रुपए के चेक करो, बैठा ऐसे फुफी के वली में पे है। बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद हमने एक अदद मार्क एक्स लब ली है डॉगी डी के साथ चेक करने के लिए। मास्टर यहाँ पे हमारे फ्रेंड रेहान चुनी मौजूद है मेरी गोदी में, सुनाए जी क्या हाल चाल आपका है, मजा आ रहा है आपको? नहीं। कोई नहीं, शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी तूने। चलो उस्ताद जी जाके देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। रेहान चुरिंजा आपको क्या लगता है कौन सी जीतेगी? मार्केट देखते हैं उस्ताद जी क्या बनता है, मार्केट जीतती है 4GR वाली या फिर डॉगी डी? डॉगी डी वाली क्या स्टोरी है? आओ डॉगी डी जीत गई।
गुड परफॉर्मेंस। लो उस्ताद जी, अब दूसरा रन होने लगा है। रेहान सर अब क्या कहेंगे, आप कौन जीतेगा? मार्कस। देखते हैं उस्ताद जी इस बार क्या बनता है। मेरे ख्याल में रेस एक बार फिर से रोल से होगी। रश वादू है, बॉल लागे बंदो। ये तो उस्ताद जी फ्री स्टाइल रेस हो रही, इस तरह वो मोटरसाइकिल वाले नहीं करते स्टाम्प पेपर लिखवा के मार गए तो आगे कुछ नहीं होना। ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ए उस्ताद जी अभी मौजूद हैं उमेर साहब की 2GR मार्केट से, विच मनोरंजन हो जाए। उसके अलावा आप लोगों को दिखाता चलूं तो गाड़ी अंदर से फुल गंजी है, चारों दरवाजे इसके गटेड हैं और साथ में शीशों की जगह एक्रिलिक ग्लास लगाए गए हैं खूबसूरत करके, पीछे जो फटे फुटे हैं वो भी सारे के सारे गैप से। और ये गाड़ी भी इस्लामाबाद के ड्राइव इवेंट पे जा रही है। लो उस्ताद जी अब डॉगी डी चेक होने लगा है 2GR मार्केट के साथ, देखते हैं क्या बनता है। वेरी नाइस मैच। अभी अभी हम डॉगी डी को दो अदर मार्कर्स के साथ चेक करके आए हैं, एक गाड़ी के अंदर 4GR था और दूसरे के अंदर 2GR था। आज तमाम लोगों को बताता चलूं कि टोयोटा वालों का ना पुट्ठा साहब था। 4GR जो इंजन है वो 2500cc है, 3GR 3000 होता है और जो 2GR है वो 2500cc इंजन होता है। और रिजल्ट्स आप तमाम लोगों के सामने थे, 4GR से हमारी गाड़ी आगे निकल गई थी लेकिन 2GR से हमने तकरीबन कोई एक और आधी गाड़ी खाई है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड प्रोफेसर साहब मौजूद है जिन्होंने इस गाड़ी को ट्यून किया है। भाई बताएं जी, गाड़ी की परफॉर्मेंस देख के आपने कैसा महसूस किया? अच्छा महसूस किया बड़ा। शक्ल तो मरी भी नजर आ रही है आपकी। मैं जा रहा हूँ इसलिए। कहाँ जा रहा है? रेस नहीं देख पाऊंगा मैं, सऊदी जा रहा हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। टेरी किंग आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी गुड, वो गाड़ी दोनों ट्यून्ड है और उसके साथ मैच में वेटेड एक्शन भी है। हमारा तो वेट फुल है ना, हम तो फुल वेट पे हैं, फुल वेट पे गाड़ी की मैं। एड्रेस हाँ जी, उनको फुफा जी का फोन आ गया, वो भी कह रहे हैं भाई गाड़ी गुड़वा गई है। गाड़ियां आपस में चेक करने का फायदा ये हुआ है कि हमें डॉगी डी के पोटेंशियल के बारे में पता चला है। हमें पता चला है कि डॉगी डी कितना जोगा है कितना नहीं। माशाल्लाह से गाड़ी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। पहले हमने सोचा हुआ था कि हम गाड़ी के साथ बहुत सारे पंगे शंगे करेंगे लेकिन अब जो जरूरी काम है हमने सिर्फ वही करने हैं। सबसे पहले गाड़ी का हमने क्लच चेंज करना है क्योंकि जो पुराने वाला वो स्लिप कर रहा है। उसके बाद का जो क्लच सिलेंडर है उसको भी हमने चेंज करना है क्योंकि जो पुराने वाला वो लीक कर रहा है। उसके बाद का जो फ्यूल पंप है वो अपने आखिरी लम्हा हाथ पे चल रहा है, गाड़ी टॉप एंड पे जाके बैठ जाती है तो हमने उसको भी चेंज करना है। उसके बाद गाड़ी का ये जो थोपड़ा खुला हुआ है इसको हमने बंद करना है, गाड़ी का बोनट फिर से फिट करना है, इसकी फ्रंट शो सेट करनी है, इसको बम्पर शंपर लगाना है, ग्रीसरी लगानी है ताकि गाड़ी की जो एयरोडायनामिक्स है वो बेहतर हो। उसके बाद फिर अगले बंदे के साथ जाके रेस की जाएगी, फिर जो होगा अल्लाह मालिक, मे द बेस्ट मशीन विन। आरिफ साहब ने यहाँ पे बर्बल ट्यून वाली आग चलाई है, देखो फुल टाइम पटाखे। उसके अलावा डॉगी डी की यहाँ पे वायरिंग की जा रही है, ये चेक करो जी। डॉगी डी की जितनी भी वायरिंग थी सारी की सारी हमने बाहर निकाल दी है। ये उसके फ्यूज़ वगैरह हैं, रिले शिले ग्रिपिंग श्रिपिंग सारा कुछ बाहर आ गया। अब यहाँ पे उस्ताद जी डिस्प्लेसमेंट वाला काम हो रहा है जी। वायरिंग को भी यहाँ पे हमने शॉर्ट शो कर दिया, सारी वायरिंग गैप। मीटर भी है, मीटर कैसे गया? मीटर की भी सारी सारी वायरिंग शेयरिंग की जा रही है खूबसूरत करके। डॉगी डी की वायरिंग का जितना भी काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। वायरिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, वायरिंग यहाँ पे यसमस कर दी है। अब आप लोगों ने पहले सुना होगा टकटक वायरिंग, टकटक वायरिंग के अंदर जितने भी उस्ताद जी एक्स्ट्रा वायरिंग होती है सारी की सारी हम फेंडरों के अंदर डैशबोर्ड के पीछे या इंजन के नीचे छुपा देते हैं। लेकिन डॉगी डी के अंदर हमने की है वड़ा वड़ वायरिंग, वड़ा वड़ वायरिंग के अंदर जितने भी उस्ताद जी गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा वायरिंग होती है वो हम वड़ के बाहर छूट देते हैं। ये चेक करो, जितनी भी वायरिंग है उस्ताद जी एक्स्ट्रा सारी की सारी हमने खत्म कर दी है। जितनी भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पे डायरेक्ट चल रही हैं। आपको जरा गाड़ी स्टार्ट करके चेक करवाऊँ तो ये देखो जी।
माशाल्लाह से फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। मीटर में जितनी चीजें हैं सारी सारी यहाँ पे चालू हैं। ये आरपीएम है और हीट की गेज है तो ए स्टार जी पेट्रोल है। आज के लिए डॉगी डी के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे कर लिए हैं। बाकी के जो काम शाम हैं वो हम करेंगे कल। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्तितम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।